अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप कि सारों ने अच्छे से ईद की होगी और सारे अच्छे से होंगे घरों में। तो आज हम जो आज पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है, तो हमने अभी तक फाइल ऑफ प्लांट हेलमाइंथस तक कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइल ऑफ एस्कले हेलमाइंथस। बहुत ही छोटा सा फाइलम है ये। जो एस्कले हेलमाइंथस है, एस्केले हेलमाइंथस, देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म एक आता है, दैट्स नोन एज एस्कैरस लेमुरकाइड्स। तो ये एस्केले हेलमाइंथस बेसिकली, मैंने आपको दो फाइलम्स ऐसे बोले थे कि जो बड़े ही डिजीज कॉजिंग फाइलम्स थे। एक तो उसमें प्लैट हेलमाइंथस था, जिनको हम फ्लैट वर्म्स कहते थे, और दूसरा है एस्केले हेलमाइंथस। दोनों ही गंदे फाइलम है क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग फाइलम्स है। तो चलिए आज चलते हैं हम एस्कले हेलमाइंथस की ओर। तो जो फाइलम एस्कले हेलमाइंथस है, इसका एक दूसरा नाम भी है। द सेकेंड नेम फॉर दिस फाइलम इज निमांट हेलमाइंथस। निमांट हेलमाइंथस भी हम इन्हें कहते हैं। तो फाइलम एस्कले हेलमाइंथस को हम निमांट हेलमाइंथस भी कहते हैं, और इनको पॉपुलरली कहा जाता है राउंड वर्म्स। जैसे कि फ्लैट वर्म्स किनको हम कहते थे, फ्लैट वर्म्स हम प्लैट हेलमाइंथस, जो फाइलम प्लैट हेलमाइंथस था, तो उस प्लैट हेलमाइंथस के फाइलम को हम कॉमनली या पॉपुलरली फ्लैट वर्म्स के नाम से जाने जाते थे वो, या हम उनको फ्लैट वर्म्स कहते थे। वाइल जो एस्कले हेलमाइंथस है, एस्कले हेलमाइंथस का दूसरा नाम तो निमांट हेलमाइंथस है, और इन एस्कले हेलमाइंथस को हम पॉपुलरली राउंड वर्म्स कहते हैं। अब राउंड वर्म्स, या इनको हम बैग वर्म्स भी कहते हैं, राउंड वर्म्स और बैग वर्म्स, बैग वर्म्स भी हम इनको कहते हैं। अब ये इनको हम राउंड वर्म्स या बैग वर्म्स क्यों कहते हैं? देखो, अगर हम इनकी बॉडी देखें, तो अगर हम इनकी बॉडी को क्या करें, इनको डाइसेक्ट करें, हम इनकी बॉडी को क्रॉस सेक्शंस करें, तो इनकी बॉडी में क्रॉस सेक्शंस कैसे निकलते हैं? सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस इनकी बॉडी से निकलते हैं, क्योंकि इनका सर्कुलर माउथ होता है और मस्कुलर फेरिंग्स इनके पास होती है, तो इनकी बॉडी का हर एक सेक्शन सर्कुलर निकलता है, कोई लॉन्गिट्यूडनल ये नहीं निकलता, सर्कुलर सेक्शंस इनकी बॉडी के निकलते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज राउंड वर्म्स। ठीक है, अब ये जो एस्कले हेलमाइंथस है, अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, या करेक्टरिस्टिक्स से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फाइलम एस्कले हेलमाइंथस में, एटलीस्ट इसमें 1500 स्पीशीज इस फाइलम में मौजूद है, 1500 स्पीशीज, और वो डिफरेंट क्लासेस में, इसमें नेमेटोडा एक क्लास है, काइनोरेंजिया एक क्लास है, इसमें दो चार क्लासेस हैं। तो ये एटलीस्ट 1500 स्पीशीज इसमें पाई जाती है एस्कले हेलमाइंथस फाइलम में। तो अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फाइलम एस्कले हेलमाइंथस की अगर हम बात करें, तो ये एस्कले हेलमाइंथस, अगर हम हैबिटेट की बात करें, तो हैबिटेट जो इनका होता है एस्कले हेलमाइंथस का, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं। एक्वाटिक में भाई ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, और ये पैरासाइटिक भी है, पैरासाइटिक। तो हैबिटेट जो इनका है, दे आर एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ये पानी में भी रहते हैं या पानी के बाहर भी रहते हैं, ये लैंड पर भी रहते हैं, और ये क्या है, ये पैरासाइटिक है, दे आर मोस्टली पैरासाइटिक, ये क्या है, मोस्टली दे आर पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक की अगर हम बात करें, तो पैरासाइटिक में कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा यहां पर। वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वन ऑफ द एस्कले हेलमाइंथस इज एस्कैरस, एस्कैरस एस्कैरस लिमरकॉइड्स, ये भी पैरासाइटिक है। वॉचेरिया बैनक्रॉप्टी, ये भी क्या है, ये भी पैरासाइटिक है। एनकाइलोस्टोमा,
ये भी पैरासाइटिक है। ट्राइचूरिया ये भी एक क्या है, ये भी एक पैरासाइट है। तो ये एंडोपैरासाइट्स है, एस्कैरस है, वेचेरिया बेनक्रॉफ्ट है, एनकलोस्टोमा है, ट्राइचूरिया है या लोवा लोवा है। तो ये सारे क्या है, ये आई लोवा लोवा जिसको हम कहते हैं आईवर्म है ये। तो ये सारे पैरासाइटिक, दीज आर पैरासाइट, ठीक है। ये तो इनका हैबिटेट हो गया, हैबिटेट आपको समझ आया कि हैबिटेट इनका क्या है, जो इनकी डेवलपिंग प्लेस है। या तो ये एक्वाटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। दे आर एक्वाटिक, दे आर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, बट मोस्टली दे आर पैरासाइटिक, दे आर पैरासाइटिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं और जिसकी वजह से ये डिजीज काजिंग कहलाते हैं। बिकॉज पैरासाइटिक, जो जब भी एक वर्ड पैरासाइट आता है तो पैरासाइट्स दे आर ऑलवेज डिजीज काज, ये डिजीज काजिंग होते हैं। एस्कैरिस है, इससे एस्कैरिसिस होती है। वो चेरिया बेनक्राफ्ट इफ्लायरियन वर्म्स को हम कहते हैं, इससे एल्फेंटाइसिस होता है। एनकाइलोस्टोमा स्टोमा जो है इसको, इससे एक डिजीज होती है जिससे एक एनीमिया, टाइप ऑफ एनीमिया हो जाता है। एनकाइलोस्टोमाइसिस से एक डिजीज होती है। इसी तरीके से इससे आई डिजीज होती है। तो दैट मींस दे आर डिजीज काजिंग मोस्टली। एस्क्लेरमाइटिस के जो मेंबर्स होते हैं दे आर डिजीज काजिंग। और ये जो ये तो एक है, ये तो हैबिटेट आ गया, इसका एक कैरेक्टर हमने ले लिया। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले लेंगे इनके, एस्क्लेरमाइटिस के, जो आपको मैंडेटरी याद ही याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलवेज वहीं से, जो मेन आपको मैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं हर किसी फाइल के, तो क्वेश्चंस वहीं से आने हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव प्लेस हो जाएगा क्वेश्चंस उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आपको टिप ऑफ द टंग याद ही है। तो अनदर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें देखो, हाँ, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पहले देखो, ये पैरासाइटिक है, ये पैरासाइटिक होते हैं, ये एनिमल की बॉडी में भी ये पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, ये प्लांट्स में भी ये प्लांट्स में भी डिजीज काज करते हैं, एनिमल्स में भी ये डिजीज काज करते हैं। जैसे कि मिलिडियोगाइनी इग्नोशिया, मिलिडियोगाइनी इग्नोशिया जो है दैट इज अ प्लांट, वो एक ये एस्क्लेरमाइटिस है, जो ये रूट, ये कॉटन रूट जो एक डिजीज है वो कर देता है। मिलिडोगाइनी, मिलिडियोगाइनी आप यहां पर लिखिए, मिलिडो गाइनी इग्नोशिया इकॉग निशा, मिलिडोगाइनी इकोग्निशा इट्स प्लांट पैरासाइट, प्लांट पैरा साइट, कॉटन रूट डिजीज ये करा देता है, इट कॉज द कॉटन रूट डिजीज। तो दैट मींस ये जो एस्क्लेहेलमाइंथस है ये पैरासाइटिक है, डिजीज काजिंग है, ये एनिमल्स में भी डिजीज करते हैं एज वेल एज प्लांट्स में भी करते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया, आप इसको याद रखिएगा, मिलिडोगाइनी इकोग्निशिया, इकोग्निशिया जो है मिलिडोगाइनी इकोग्निशिया, ये एक प्लांट पैरासाइट है बेसिकली, ये इज अ मेंबर ऑफ एस्क्लेहेलमाइंथस, ये डिजीज काज करता है इन द प्लांट्स। तो ये जो मिलिडोगाइनी इकोग्निशिया है ये आपको ज्यादा से ज्यादा, आप इसको कहां पर पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लेकिन इस पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है, मिलिडोगाइनी इकोग्निशिया जो है इट्स अ एस्क्लेहेलमाइंथस व्हिच काज द कॉटन रूट डिजीज, ये कॉटन रूट डिजीज कर देता है, प्लांट पैरासाइट है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही थी, तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अभी अभी तक हमने देखा जो प्लांट हेलमाइंथस है। अगर हम कॉरिफरा की बात करें तो कॉरिफरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, कॉरिफरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, उनमें मल्टीसेलुलर सेल्स प्रेजेंट थी बट सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, तो इसीलिए हमने उनको कहा सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में थी। लेकिन उसके बाद हमने सिंडारियंस पढ़े, सिंडारियंस में क्या था, सिंडारियंस में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, टीनोफोरियंस में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, वाइल एज जब हमने प्लांट हेलमाइंथस फाइलम पढ़ा तो उसमें ऑर्गन
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, उनमें ऑर्गेन्स डेवलप हो गए थे, उसमें नर्वस सिस्टम था, देयर इज अ लेटर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम उसमें पाया जाता था, दैट मींस उसमें ऑर्गन फॉर्मेशन हो गई थी. व्हाइल एज जो एस्केलेहेलमाइंथस है, एस्केलेहेलमाइंथस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है. तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप याद रखोगे. नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाई जाती है. आगे हम चलते हैं, अनदर कैरेक्टरिस्टिक हम उठाते हैं इनका. अगर हम इनकी बॉडी सिमेट्री देखें, बॉडी सिमेट्री, तो बॉडी सिमेट्री इनकी है क्या है? बाइलेटरल. दे आर हैविंग बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री. तो आपको पता ही है बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल की बॉडी दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाए थ्रू वन प्लेन. एक प्लेन के जरिए, एक प्लेन, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन हम उसमें डालेंगे, थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन हम बॉडी को कट करेंगे थ्रू वन प्लेन इनटू टू इक्वल हाउस, तो उसको हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं. तो एस्केलेहेलमाइंथस में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है. तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं. इसी तरीके से एक और हम लेंगे, बॉडी प्लान. बॉडी प्लान इनका क्या है? Whether they are having incomplete elementary canal or they are having the complete elementary canal. तो अभी तक प्लैट हेलमाइंथस में जब हमने प्लैट हेलमाइंथस का बॉडी प्लान पढ़ा था, तो हमने कहा था कि इनकी जो प्लैट हेलमाइंथस फ्लैट वर्म्स का जो बॉडी प्लान होता है वो होता है ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान. ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान में आपको पता ही है कि ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान में खाली एक ही ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग एक्ट्स एज वेल एज माउथ एंड एनस. तो वो सिंगल ओपनिंग माउथ भी एक्ट करती है और एनस भी एक्ट करती है. लेकिन इनमें एस्केलेहेलमाइंथस में जो बॉडी प्लान है, बॉडी प्लान इज ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान. देखो आज ये वाला नया पॉइंट है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. अभी तक जो भी हमने फाइलम्स पढ़े कभी भी किसी में ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान नहीं आया. बट ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान कहां से स्टार्ट हो गया है? एस्केलेहेलमाइंथस, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान. तो आपको पता ही है ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है? ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है. दैट मीन्स इनके एलिमेंट्री कैनाल में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर स्कैरस ले लूं, एक पॉपुलर मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल इसका राउंड यहां पर माउथ है, तो ये इसके एलिमेंट्री कैनाल होगी और ये एलिमेंट्री कैनाल फॉर एग्जाम्पल यहां से ये एनस है. दिस इज एलिमेंट्री कैनाल एंड दिस इज एनस. ये एनस है और ये माउथ है. दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है. और इस वाले, क्योंकि इनकी बॉडी क्या होती है, एस्केलेहेलमाइंथस की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूब लाइक बॉडी होती है इनकी, और ट्यूब लाइक बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब लाइक ही होता है. तो दैट मींस ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान इनमें है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट. एलिमेंट्री कैनाल क्या है इनकी? कैनाल कंप्लीट. तो व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल, उस एलिमेंट्री कैनाल को हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं जिसमें प्रेजेंस ऑफ सेपरेट openings होती है, one for intake of food and another for ejection of undigested waste material. तो जहां से undigested waste material बाहर निकल जाएगा, that opening is known as anus. जहां से हम food intake करते हैं, that opening is known as mouth. तो elementary canal में अगर दोनों openings present है, anus as well as mouth present है, that elementary canal is complete elementary canal. और complete elementary canal किस वाले body plan में पाई जाती है? Tube within the tube body plan में complete elementary canal पाई जाती है. तो ये आप इस पर भी थ्री स्टार्स मार्क करोगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान. ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है. अनदर
अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो हम लेंगे यहां पर एस्किल हेलमाइंथस का, तो वो कैरेक्टर क्या है, दैट इज जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स। तो ये जो एस्किल हेलमाइंथस है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, व्हाट ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस, इनमें थ्री जर्म लेयर्स होती है, वन इज ectoderm, the outer most is ectoderm, the middle layer, middle germinal layer is known as mesoderm, and the innermost layer is known as endoderm. तो इनमें तीनों ही germ layers present होती है, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, triploblastic animals. While as जो हमने coriferans पढ़े हैं, they are triploblastic, और उनके दरमियान ectoderm और endoderm के दरमियान एक non-cellular layer हुआ करती थी, that is known as mesoglia. इसी तरीके से सिंडारियन, स्टीनोफोरियन हमने पढ़े, उनमें भी वो मीजो के लिए, दे आर आल्सो डिप्लोब्लास्टिक, बट एस्किले हेलमाइंथस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इट इज हैविंग एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म, इसमें एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म मिडल लेयर, और इसमें इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्म। तो तीन लेयर्स इसमें होती है, तीन जर्मिनल लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा। आप देखो यहां से हम आगे जाते हैं, तो एक और हम कैरेक्टरिस्टिक यहां पर लेते हैं, द अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज जो हम लेंगे यहां पर, दैट इज सिमेट्री, ये सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। तो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी, इसमें सेगमेंट्स नहीं हुए होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी, अनसेगमेंटेड बॉडी इनकी है, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट विगमेंट नहीं बना है। और एक और करेक्टर हम इनका लेंगे, द अनदर करेक्टरिस्टिक व्हिच वी विल टेक हियर इज सीलोम, इंपॉर्टेंट है सीलोम, क्योंकि सीलोम पर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम सीलोम लेंगे, सीलोम, तो दे आर सीडोसीलोम्स, सीडो सीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स होते हैं ये, सीडोसीलोमेट्स। मैंने जब सीलोम आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि जो सीलोम होती है, एनिमल्स तीन किस्म की एनिमल्स होते हैं, एक तो होते हैं सीडोसीलोमेट्स, दूसरे होते हैं एसिलोमेट्स, और तीसरे होते हैं यूसिलोमेट्स, दैट मीन्स ट्रू सिलोमेट्स। तो सीडोसीलोमेट्स में खाली एक ही मैंने फाइलम कहा था कि जो जिसमें सीडोसीलोम होती है, और मैंने कहा था कि सीडोसीलोम क्या होती है, सीडोसीलोम वो सीलोम होती है जिस जो कंप्लीटली लाइन नहीं, जो लाइन नहीं हुई होती है किस मेसोडर्म से, द सीलोम व्हिच इज नॉट लाइनड बाय मेसोडर्म इज नोन एज सीडोसीलोम। ठीक है, और सीडोसीलोम किन में पाई जाती है, सीडोसीलोम एस्किल हेलमाइंथस में पाई जाती है। तो ओनली फाइलम व्हिच इज हैविंग सीडोसीलोम इज एस्किल हेलमाइंथस, एस्किल हेलमाइंथस वो ऐसा फाइलम है जिसमें सीलोम तो पाई जाती है, बट दैट इज अ फालस सीलोम, वो ट्रू सीलोम नहीं होती है, वो फालस सीलोम होती है। क्यों फालस सीलोम होती है, क्योंकि वो सीलोम, वो जो खाली जगह है, दैट इज नॉट लाइनड बाय मेसोडर्म, वो मेसोडर्म से लाइन नहीं हुई होती है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पर मैंडेटरी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि सीडोसीलोमेट्स व्हिच आर द फॉलोइंग फाइलम इज व्हिच आर द फॉलोइंग, या एस्कैरिसिस, एस्कैरिसिस वहां पर आएगा, एस्कैरिसिस इज अ सीडोसीलोमेट और इट इज अ यूसीलोमेट or it is acylomate, या मतलब आपका phylum is having pseudocoelom, तो उसमें एस्किले हेलमाइंथस आ जाएगा। यहां तक कंप्लीट है। अब देखो यहां इनकी जो बॉडी होती है, अब बॉडी देखो इनकी बॉडी, क्योंकि ये पैरासाइटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एस्किले हेलमाइंथस दे आर पैरासाइटिक नेचर। तो मैंने आपको जब प्लांट हेलमाइंथस पढ़ाया था, तो मैंने उसमें पैरासाइटिक एडेप्टेशंस आपको बोली थी, उनमें प्रेजेंस ऑफ हुक्स होते हैं, उनकी बॉडी बाहर से उन पर एक वैक्सी कोटिंग लगी होती है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल। तो इनकी बॉडी भी बाहर से लाइन हुई होती है बाय ए वैक्सी कोटिंग नोन एज क्यूटिकल। तो बॉडी इज लाइनड बाय क्यूटिकल, बॉडी इज लाइनड, इनकी बॉडी लाइन हुई होती है बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल एक वैक्सी कोटिंग है जो इन एनिमल्स को, इन जो इसके मेंबर्स है, ये पैरासाइटिक है, तो इनको ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, तो ये एक एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं,
तो एनिमल की बॉडी के अंदर रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए इनको बचना पड़ता है फ्रॉम एंजाइम्स। तो उन एंजाइम से बचने के लिए ये अपनी बॉडी के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग लगा देते हैं, दैट इज नोन एज वैक्सी कोटिंग होती है इनकी बॉडी के ऊपर, दैट इज नोन एज क्यूटिकल। और क्यूटिकल से ये प्रिवेंट करते हैं डाइसेक्शनिंग, वरना ये किल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करते हैं अपने खुद की डाइसेक्शन को, खुद के ब्रेकडाउन को ये प्रिवेंट करते हैं बाय द एंजाइम्स, जिससे विद द हेल्प ऑफ द क्यूटिकल। तो ये एक एडेप्टेशन है, दिस एन एडेप्ट पैरासाइटिक एडेप्टेशन प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल बॉडीज लाइन विद क्यूटिकल। और इनमें खाली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है, सर्कुलर मसल्स इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट, सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट। और देखो इनकी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो इनकी बॉडी है इनमें सिनिशियल एपिडर्मिस होता है। सिनिशियल मैंने कहा था आपको कि सिनिशियल सिनिशियल क्वाइनोसाइटिक और सिनिशियल अरेंजमेंट मैंने आपको कहा था। इनकी बॉडी इनका इनकी बॉडी का जो एपिडर्मिस होता है, जो एपिडर्मिस दैट मींस द स्किन आपका हो, एपिडर्मिस जो होता है, हमें एपिडर्मिस क्या दिखाई देता है, इट्स मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इनकी बॉडी हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में दिखाई देती है। तो दैट मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, तो सेल्स दे आर मल्टी सेलर, बट इनका जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पर जो सेल्स है, उन सेल्स की कंडीशन हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई देती है। दैट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज नोन एज सिनिशियल कंडीशन, और इनके एपिडर्मस को हम सिनिशियल एपिडर्मस कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, व्हाट इज क्वाइनोसाइटिक कंडीशन एंड व्हाट इज सिनिशियल, व्हाट इज क्वाइनोसाइटिक एपिडर्मस एंड व्हाट इज सिनिशियल एपिडर्मस। क्वाइनोसाइटिक किसमें आता था, जब हमने मैंने कहा था कि जो हाई राइजोबस के हाई फेज होते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड दैट कंडीशन इज नोन एज क्वाइनोसाइटिक कंडीशन। व्हाइल एज अगर मैं एस्केस की बॉडी ले लूं, एस्केस का एपिडर्मस ले लूं, आउटर जो कवरिंग होती है इसकी, इसका जो एपिडर्मस होता है उसमें भी प्रेजेंस ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, एंड दैट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज नोन एज सिनिशियल सिनिशियल कंडीशन। तो हम कहते हैं कि इसका जो एपिडर्मस होता है, दैट एपिडर्मस इज सिनिशियल एपिडर्मस। व्हाट इज सिनिशियल एपिडर्मस, इट इज हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो प्रेजेंस ऑफ सिनिशियल एपिडर्मस, इसमें सिनिशियल एपिडर्मस होता है, सिनिशियल एपिडर्मस, सिनिशियल एपिडर्मस, ये आप याद रखो, इट इज हैविंग सिनिशियल एपिडर्मस। एस्केरस, ये एस्केरस की बात है, एस्केरस। तो ये तो जनरल यहां तक था, और एस्केरस में सिनिशियल एपिडर्मस होता है। अब देखो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, क्योंकि एक और कैरेक्टरिस्टिक मेन वाला कैरेक्टरिस्टिक है, तो से अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, तो इनमें नर्वस सिस्टम वही जैसे कि प्लैट हेलमाइंथस तो में लीडर लाइक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम था, प्रेजेंस ऑफ गैंग्लिया होता है, फिर नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं, उसी तरीके से इनमें भी वही वाला नर्वस सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम इनका मैं लिखूंगा सिंपली लीडर लाइक नर्वस सिस्टम, लीडर लाइक नर्वस सिस्टम। और माउथ इनका सर्कुलर होता है, और मस्कुलर फेरेंक्स इनमें पाई जाती है। ठीक है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, और लेडर लाइक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंस ऑफ गैंग्लिया होता है, और फिर ऐसे ही जो कमिश्चर्स हैं, कनेक्टिव्स जो आपस में नर्व कॉर्ड्स आपस में कनेक्टेड हुए होते हैं थ्रू द वेरियस न्यूरॉन्स, तो उसको हम कमिश्चर्स, इन कनेक्टिव्स, या इनको आप कनेक्टिव्स कह सकते हो या कमिश्चर्स कह सकते हो। तो यहां पर गैंग्लिया है, दिस इज गैंग्लिया फॉर एग्जाम्पल, ये गैंग्लिया है, और यहां से ये जाते हैं दो नर्व कॉर्ड्स, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय द कनेक्टिव्स। तो दिस इज द लीडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, याद क्लियर है यहां तक? तो ये मेन अभी हम देख रहे हैं इनका, थोड़ी बहुत मेन कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं इनके। तो एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं यहां पर आपको बताता चलूं इनमें क्या है। जैसे कि हमने प्लैट हेलमाइंथस उसमें एक्सक्रीशन, जब हमने उनका एक्सक्रीशन पढ़ा तो हमने कहा कि एक्सक्रीशन उनकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन हो रहा है, वो एक्सक्रीशन थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल हो रहा है, दैट सेल इज नोन एज फ्लेम सेल प्लैट हेलमाइंथस में। बट इनमें इनमें प्रेजेंस ऑफ कैनाल्स होती है, ठीक है, एस्किल हेलमाइंथस में प्रेजेंस ऑफ कैनाल्स होती है,
और वो कैनाल जाके उनको हम सिंपली वो क्या बनाती है, दैट्स एक्सक्रीशन में सिंपली टू एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज रिनेट रिनेट सेल्स। तो रिनेट सेल्स से एक्सक्रीशन होती है और ये यूरिया या अमोनिया ये एक्सक्रीट करते हैं, दे एक्सक्रीट यूरिया और अमोनिया, ये एक्सक्रीट यूरिया करेंगे या अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज रिनेट सेल्स। तो रिनेट सेल्स प्रेजेंट होती है, दीज आर कैनाल लाइक सेल्स, ये कैनाल्स फॉर्म करती है और दीज कैनाल लाइक सेल्स ये एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होती है और ये एक्सक्रीशन जो भी एस्केलेहेलमाइंस में होती है थ्रू दीज सेल्स होती है जिनको हम रिनेट सेल्स कहते हैं। और ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है इनका, या तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया निकलेगा या इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया निकलता है इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल। ठीक है, ये तो एक्सक्रीशन हो गया। अब देखो और जो रेस्पायरेशन होती है इनकी, रेस्पायरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस इनकी होती है, रेस्पायरेशन जो होती है दैट इज थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस इनकी रेस्पायरेशन हो जाती है। यहां तक तो हो गया। देखो एक और चीज मैं यहां पर आपको बोलूंगा, जो एस्केलेहेलमाइंथस है मैंने पहले ही कहा था कि मोस्टली दे आर पैरासाइटिक इन नेचर, ये पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं और दे मेनली काज डिजीज़, ये मेनली डिजीज काज करते हैं। तो अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात कर दूं यहां पर, इसी का एक मेंबर है दैट्स एस्कैरस, एस्कैरस, तो एस्कैरस ल्यूमरिकॉइड्स, जो एस्कैरस लिमरिकॉइड्स है, देखो एस्केलेहेलमाइंस के बहुत सारे क्लास हैं लेकिन एक मेन सा क्लास इसमें है नेमेटोडा, नेमेटोडा। ठीक है, तो ये जो लिमरिकॉइड्स है ये किस क्लास में आता है, नेमेटोडा क्लास में, क्लास नेमेटोडा है इसका। ठीक है, एस्केरस लिमरिकॉइड्स का कौन सा क्लास है, क्लास नेमेटोडा। और ये जो एस्केरस लिमरिकॉइड्स है, देखो इसे मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं एस्केलेहेलमाइंथस के बारे में आपको यहां पर बोलूंगा, जो एस्केरल लिमरिकॉइड्स है या जो एस्केलेहेलमाइंथस होते हैं इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, जैसे कि प्लैट हेलमाइंथस में हमने देखा था कि दे आर हैविंग बोथ द सेक्सेस प्रेजेंट, उनमें बोथ सेक्सेस प्रेजेंट होते थे, लेकिन इनमें एक एस्केरस में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ठीक है, मेल सेपरेट है, फीमेल सेपरेट है, दैट मीन्स देर इज सेपरेशन ऑफ सेक्सेस सेपरेट होते हैं। और जब ये सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन फीमेल एस्केरस है कौन मेल एस्केरस है। तो जब हम मॉर्फोलॉजिकली हम आंखों से देख सकते हैं कि विच वन इज मेल विच वन इज फीमेल, तो उस चीज को हम सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो दीज एस्केलेहेलमाइंथस दे आर हैविंग सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहां पर मैं एक और कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा इनका, तो presence of they are having sexual dimorphism. What is sexual dimorphism? Dimorphism. There is presence of male and female. इनमें separate होता है presence या separate male and female. हम कहेंगे यहां पर separate male and female. Male और female separate होते हैं. Fertilization internal होती है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में फिर तो लार्वा आएगा, क्योंकि जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो उसमें लार्वल स्टेज आता है, जब लार्वल स्टेज फिर एडल्ट में पहुंच जाता है। तो लार्वा से एडल्ट बनना, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाना, जो चेंजेस आती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट फ्रॉम लार्वल स्टेज, तो दैट्स नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो अगर लार्वल स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में बीच में एक लार्वल स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज में लार्वा भी आता है तो ये डेवलपमेंट क्या होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसके लिए हेलमाइंथस में,
और इनमें जो लार्वा पाया जाता है, दैट लार्वा इज नोन एज रिहैबिटेड फॉर्म ऑफ लार्वा, रिहैबिटेड फॉर्म ऑफ लार्वा, रिहैबिटेड फॉर्म ऑफ लार्वा इनमें पाया जाता है। एस्केल हेलमेंथस में, मेनली एस्केरस में, तो रिहैबिटेड फॉर्म ऑफ लार्वा पाया जाता है। ठीक है, एस्केल हेलमेंथस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और कौन सा लार्वा पाया जाता है, रिहैबिटेड फॉर्म ऑफ लार्वा। तो हम बात कर रहे हैं अभी एस्केरल लिब्रिकॉइड्स की, तो ये तो मेनली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्केल हेलमेंथस, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सारे कंप्लीट किए हैं। अब हम जाते हैं थोड़ा सा इन पर, जो इनके मेंबर्स हैं उन पर थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा, जो उनमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बोलूंगा, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एस्केरल लिम्ब्रिकॉइड्स जो है, एस्केरल लिम्ब्रिकॉइड्स, इसमें ये ऐसे होता है, और देखो ये तो मेल है, दिस इज मेल, मेल एस्कैरस, और मेल एस्कैरस में क्या होता है, कर्व टेल होता है इसमें, और यहां पर इसको होता है जिसको हम पीनियल स्टे कहते हैं, कॉपुलेटरी टाइप ऑफ ऑर्गन दैट इज नोन एज पीनियल स्टे, पीनियल सीटे, और यहां पर इसका होता है कॉलिकल अपर्चर, दैट मीन्स जो गिमेटस और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है वो एक ओपनिंग से निकलता है, उस ओपनिंग को हम एनस कहते हैं, बट इस वाले स्पेशल टाइप ऑफ दिस एनस इज नोन एज कॉलिकल अपर्चर, जहां से गिमेटस एज वेल एज अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलता है, इट इज नोन एज कॉलिकल अपर्चर। तो यहां पर कॉलिकल अपर्चर होता है जहां से गिमेट्स एज वेल एज अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो और जो मेल्स होते हैं, मेल्स आर शॉर्टर, मेल्स शॉर्टर होते हैं दैन फीमेल्स, शॉर्टर दैन फीमेल्स, मेल्स की लेंथ 16 सेंटीमीटर, 15 to 16, 15 से 16 सेंटीमीटर की होती है, वाइल एज जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स दे आर हैविंग स्ट्रेट टेल, इनका टेल स्ट्रेट होता है एंड दे आर लॉन्गर, दिस द फीमेल। तो आप इजीली पता लगा सकते हो विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल, द कर्व टेल जिसमें है दैट इज मेल, जिसमें स्ट्रेट टेल है दैट इज फीमेल। तो फीमेल्स की लेंथ होती है 16 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक, और दे आर हैविंग स्ट्रेट टेल, इनका टेल क्या होता है, टेल इज स्ट्रेट, टेल इनका स्ट्रेट होता है। ठीक है, टेल इनका स्ट्रेट होता है। और ये जो एस्केरल लिम्ब्रिकॉइड्स है, एस्केरल लिम्ब्रिकॉइड्स एक डिजीज काज करता है, और अगर मैं इसका लाइफ साइकिल बता दूं तो ये अपनी पूरी की पूरी जिंदगी किसमें बसर करता है, इनसाइड ए सिंगल होस्ट। तो अगर कोई एक पैरासाइट एक सिंगल होस्ट में अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करता है, दैट मींस सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल पार्ट दोनों किसमें करता है, एक सिंगल होस्ट में, तो उसको हम मोनोजेनेटिक कहते हैं, मोनोजेनेटिक, मोनोजेनेटिक मींस व्हिच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन द सिंगल होस्ट, वो सिंगल होस्ट है, सिंगल होस्ट, तो ये सिंगल होस्ट में रहता है एस्केरल लिम्ब्रिकॉइड्स, और इसका जो होस्ट है जिसमें ये एज पैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट, वो है होमोसैपियंस, दैट मींस मैन, ह्यूमंस, ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस इसके होस्ट है, और ह्यूमन के इंटेस्टाइन्स में जो इसका घर है वो इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस है, इंटेस्टाइन्स, ह्यूमन इंटेस्टाइन्स में ये रहता है। ठीक है, और उसमें इसमें कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दोज आर बेसिकली द कीमो और गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जिनको हम कहते हैं गस्टेशन, दैट मींस कुछ रिसेप्टर्स होते हैं दैट इज फॉर टेस्टिंग और स्मेलिंग, गस्टेटरी और कीमो कीमो मैटेटल रिसेप्टर्स होते हैं इनमें। तो इसमें जो सेंस सेंसरी रिसेप्टर्स जो इसमें होते हैं, दैट इज फैजमिड्स, फैजमिड्स और एम्फिड्स, एम्फिड्स और फैजमिड्स, एम्फिड्स गस्टेटरी होते हैं, गस्टेटरी इन फंक्शन, और ये होते हैं कीमो, या कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्शन ये करते हैं, केमिकल रिसेप्शन,
हीमोरिसेप्टर्स, फैजमिडस और एम्फिडस क्या है, दीज आर द सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी ये इसमें होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी फंक्शन या सेंसरी ऑर्गन्स आपका ये फैजमिडस और एम्फिडस होते हैं, ये केमोरिसेप्टर्स होते हैं और ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये टेस्टिंग स्मेलिंग एज वेल एज ये उसमें मदद इसको करते हैं। तो ये एस्केरेंट ब्रिकेट्स, ये पैरासाइट एंडोपैरासाइट ऑफ मैन होता है, मैन के इंटेस्टाइन्स में ये रहता है और ये मोनोजेनेटिक है, सिंगल होस्ट में ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल खत्म कर देता है। और ये जो एस्केरेंट ब्रिकेट्स है ये एक डिजीज करता है ह्यूमंस में, दैट इज नोन एज एस्केरेसिस। एस्केरेसिस तो एस्केरेसिस इज अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय एस्केरेस ल्यूब्रिकॉइड्स। एस्केरेस ल्यूब्रिकॉइड्स एक डिजीज कर देता है इन ह्यूमंस, and that disease is known as ascaris. Ascaris is a disease है जो cause कौन करता है? Ascaris lumbricoides. ठीक? और जब ascaris lumbricoides basically ये intestine जो होता है, this is just like ये intestine है, तो intestine में ये ऐसे, these are ascarises. ये ascaris है, ये इससे फिर क्या हो जाता है? इससे block हो जाता है कौन? इससे block हो जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं intestines में, तो ब्लॉक इंटेस्टाइनल ब्लॉक हो जाता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉक हो जाता है। और उसके बाद जब ज्यादा ज्यादा हो गए, दे कैन ट्रावल, ये ट्रावल करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, दे कैन ट्रावल टुवर्ड्स द हार्ट, दे कैन ट्रावल टुवर्ड्स द ब्रेन, एंड दैट विल लेड टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। अगर ये ट्रावल हो गए कहां तक, हार्ट तक, ब्रेन तक आगे, दैट विल लेड टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, या इंटेस्टाइनल ब्लॉक जो हो जाते हैं, तो दैट्स अ लीथल स्टेज फिर इसका ये आ जाता है। एक अब देखो इसके लिए कुछ दवाइयां भी है, वन ऑफ द मेडिसिन इज हेट्राजीन हम यूज करते हैं इन ट्रीटिंग द एस्केरेसिस। हेट्राजीन यूज इन ट्रीटिंग, या चीनोपोडियम ऑयल भी हम यूज करते हैं, चीनोपोडियम ऑयल और हेट्राजीन, दीज आर द सम मेडिसिंस व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट द एस्केरेसिस। और इसमें इस एस्केरेसिस में क्या होता है, वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द एस्केरेसिस इज That means abdominal pains हो जाती है इसमें, चक्कर से आने लगते हैं। तो ये तो ascaris lumbricoides है जो ascaris करता है। The another मैं दो तीन आपको यहाँ पर बोलूंगा जो competitive exams के लिए आपको याद रखने हैं। ये तो ascaris के बारे में था। Now यहां पर मैं आपको एक और, यहां पर है अभी टाइम कितना हो गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वीडियो, ये ठीक। अब देखो एक और एस्केरेहेलमिंथस जो पैरासाइटिक इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और जो डिजीज काज है, दैट इज नोन एज वाचेरिया, वाचेरिया बैंक्रॉटी। देखो इन पर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। वाचेरिया बैंक्रॉटी जो है इसको हम फ्लैरियल वर्म कहते हैं, फ्लैरियल वर्म। ये बेसिकली एक डिजीज काज करता है, दैट इज नोन एज फ्लेरेसिस और एल्फेंटाइसिस। एल्फेंटाइसिस और फ्लेरेसिस, फ्लेरेसिस और एल्फेंटाइसिस, जिसमें स्वोलिंग स्वोलन हो जाते हैं, जो लिम्स हो जाती है, जो लिम्स होती है वो स्वोलन हो जाती है। और ये भी एक एंडोपैरासाइट है, किसका? एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमंस। लेकिन ये अपना लाइफ साइकिल जो है, ये अपना लाइफ साइकिल सेक्सुअल फेज तो ये ह्यूमंस में करता है, बट असेक्सुअल फेज ये क्यूलेक्स मॉस्किटो में करता है। दैट मींस इसका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल दो होस्ट्स में कंप्लीट होता है। दैट मींस फिर हम इसको कहेंगे इट इज डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक मीन जो सिंगल होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, while as digenetic means is two hosts, ये अपना life cycle दो hosts में complete करता है। primary host कौन है? primary host किसको हम कहते हैं? जिसमें sexual phase complete हो जाए, that is known as primary host।
प्राइमरी होस्ट उस वाले होस्ट को कहते हैं जिसमें एक पैरासाइट अपना सेक्चुअल फेज कंप्लीट करे. तो प्राइमरी होस्ट इज मैन, प्राइमरी होस्ट मैन है इसका, और सेकेंडरी होस्ट कौन है? क्यूलेक्स मॉस्किटो. सेकेंडरी होस्ट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो. सिलेवरी ग्लैंड्स, ये सिलेवरी ग्लैंड्स ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो में रहता है. सिलेवरी ग्लैंड्स ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो, बेसिकली ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है ये सक करता है इसको फ्रॉम द ब्लड ऑफ द ह्यूमंस, क्योंकि ड्यूरिंग रात के टाइम जो ये वाचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है, दोज माइक्रोफ्लैरी, माइक्रोफ्लैरी मींस जब ये सेक्सुअल फेज कंप्लीट करता है तो वहां पर माइक्रोफ्लैरी बन जाते हैं. तो वो माइक्रोफ्लैरी सर्कुलेट करते हैं किसमें? ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में, ब्लड वेसल्स में. तो जो ही रात के वक्त वो माइक्रोफ्लैरी बेसिकली नॉक्टर्नल होते हैं, वो रात के वक्त ही ब्लड में सर्कुलेट होते हैं. तो रात के टाइम जब ये क्लैक्स मॉस्किटो आता है तो ये सक करता है उस ब्लड को, ये बाइट करता है ह्यूमन को और ये ब्लड को सक करता है, तो वहां से माइक्रोफ्लैरी इसके अंदर जाते हैं और इनसाइड द सिलेवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो चले जाते हैं. तो सेकेंडरी होस्ट इसका कौन सा हो गया? क्लैक्स मॉस्किटो. वाले एज अ प्राइमरी होस्ट कौन हो गया इसका? मैन. तो ये डायजेनेटिक है और ये एक डिजीज काज करता है, दैट इज नोन एज एलिफेंटाइसिस और फ्लैरिसिस. और ये एलिफेंटाइसिस ये कैसे होती है? बाय ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल्स. ब्लॉकेज किनके होती है? ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल्स. लिम्फ वेसल्स ब्लॉक होते हैं, जब लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो गया तो दैट मींस लिम्फ सर्कुलेट नहीं हो पाता है. जब लिम्फ सर्कुलेट नहीं हो पाता है तो वहां पर क्या हो जाती है? वहां पर स्वेलिंग, जहां पर ये ब्लॉक हो जाता है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है. Swelling takes place और basically ये limbs में, ये lymph vessels basically limbs में block हो जाते हैं और swelling आ जाती है जिससे elephant-like limbs बन जाती हैं. तो इसको हम elephantiasis कहते हैं और flarisis कहते हैं. तो Wachteria bancrofti क्या करता है? इसको हम flarial worm कहते हैं, elephantiasis और flarisis करता है. और ये diagenetic है, दो host में अपनी life cycle complete करता है. Primary host इसका man है, secondary host इसका Culex mosquito है, ठीक है. और ये क्या करता है? ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल्स कर देता है जिससे स्वेलिंग हो जाती है लिम्स की और जिससे एलिफेंट लाइक लिम्स बन जाती है. एक और यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज एनकाइलोस्टोमा, हुकवर्म जिसको हम कहते हैं, एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा, अनदर पैरासाइटिक एस्किले हेलमाइंथस. और ये एक डिजीज करता है एनकाइलोस्टोमैटोसिस. इसमें क्या होता है? इट मे लेड टू सीवर एनीमिया. सीवर एनीमिया हो जाता है. एनीमिया आपको पता ही है, दैट मीन्स जो लॉस जो हो जाता है या डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, एनीमिया. तो एनकाइलोस्टोमैटोसिस, इस एनकाइलोस्टोमा को हम हुकवर्म भी कहते हैं, हुकवर्म. और ये क्या करता है? ये एनकाइलोस्टोमेटा ये सीवर एनीमिया, ये एक डिसऑर्डर, ये एक डिजीज काज करता है, दैट इज नोन एज एनकाइलोस्टोमैटोसिस. और ये उसमें क्या करता है? बेसिकली ये ब्लड को सक करता है और जिससे सीवर एनीमिया कंडीशन आ जाती है एक ह्यूमन में. और ये भी क्या है? इट इज मोनोजेनेटिक. मोनोजेनेटिक, इसका भी एक सिंगल ही होस्ट होता है, दैट इज मोनोजेनेटिक और ह्यूमंस इसके होस्ट है. एक ये तो हो गया कौन सा? एनकाइलोस्टोमैटा, एनकाइलोस्टोमा, हुकवर्म जिसको हम कहते हैं. इसी तरीके से एक और है, दैट इज नोन एज एंटीरियोबायस. एंटीरियो बायस, वर्मिक्युलैरिस, वर्मिक्युलैरिस, एंटीरियो बायस वर्मिक्युलैरिस, जिसको हम पिनवर्म, इट इज पॉपुलरली नोन एज पिनवर्म. और ये इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस, इनसाइड लार्ज इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस, ठीक है. और इससे एक डिजीज होती है एंटीरोबायोसिस. एंटीरोबायोसिस, इट कॉज द डिजीज नोन एज एंटीरोबायोसिस. एंटीरोबायोसिस में क्या होता है? स्लीपलेसनेस, स्लीपलेसनेस,
स्लीपलेसनेस इसमें होती है, एंटीरियर बायसेस, एंटीरियर बायसेस में स्लीपलेसनेस हो जाती है, या और मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, या एब्डोमिनल पेन्स भी हो जाती है. अब देखो यहां पर ट्राई चलेना एक और है, यहां पर ट्राई चलेना, ट्राई चलेना, ट्राई चलेनेसिस. ये बेसिकली ये भी एक पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट ऑफ, एंडोपैरासाइट है ये ऑफ मैन, और मैन के वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स में ये रिसाइड करता है, वॉलेंट्री मसल्स ऑफ मैन में ये होता है, और ये डाइजेनेटिक है, इट इज डाइजेनेटिक. इसके दो, ये दो होस्ट्स में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, वन होस्ट इज मैन एंड अनदर होस्ट इज पिग्स, पिग्स और मैन. ठीक है, ट्राई चलिना. तो इसमें वॉलेंट्री मसल्स में रह के ये मस्क्यूलर पेन्स करा देता है, मस्क्यूलर पेन्स. ठीक है, ट्राई चलिना, ट्राई चलिना जो है इसको हम ट्राइचिनिया वर्म भी कहते हैं. ठीक है, अब देखो यहां पर लोवा, लोवा ये आई डिजीज करा देता है, ये भी एक पैरासाइट है, एस्क्लेरोमाइसिस है, और ये आई डिजीज, इसको हम आई वर्म भी कहते हैं, और ये एक बेसिकली ये आई में घुस जाता है, इट एंटर्स इनटू द आई, ये आई में घुस जाता है, ये आई में घुस जाता है, और वहां पर ये वर्म फिर ग्रो हो जाती है, दैट विल लेट द विजन प्रॉब्लम्स आल्सो. एक आई डिजीज लोवा, लोवा क्या करता है, इसको आई वर्म कहते हैं, आई डिजीज कर देता है, और इसका जो वेक्टर है टेस बाय फ्लाई, टेस्ट बाय फ्लाई इसका वेक्टर है जिसको कैरी करती है लोवा, लोवा. तो आई थिंक यहां तक क्लियर है, ये तो सारा हो गया आपका, एस्क्लेरोमाइसिस कंप्लीट है. आई थिंक अब कुछ नहीं रह गया एस्क्लेरोमाइसिस में, एस्क्लेरोमाइसिस सारा क्लियर है. तो आप इसको रिवाइज करोगे और कल हम उठाएंगे फाइलम एनेलिड.